हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आए हैं एक नई वीडियो को लेके जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है जब हम फ्रिज को परचेज करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में दो से तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है, एक कैपेसिटी और एक लाइट कंजम्पशन के लिए कितने स्टार का हमें फ्रिज लेना चाहिए। क्या हमें 3 स्टार लेना चाहिए, 4 स्टार लेना चाहिए, 5 स्टार लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं कोई भी कैलकुलेशन मैथ का करके आपको नहीं बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा इस वीडियो में कि जिसको लेके आप भी परेशान होंगे कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें किस रेटिंग का फ्रिज लेना चाहिए। इस वीडियो से, इस सिंपल लॉजिक से आप पता लगा लेंगे कि आपके लिए किस स्टार का फ्रिज सबसे बेस्ट है। आज दोस्तों इसी पे वीडियो है कि फ्रिज जो है हमें 2 स्टार लेना चाहिए या 3 स्टार लेना चाहिए, 4 या 5 स्टार, क्योंकि ये हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो आता है वो लाइट कंजम्पशन के लिए ही आता है। तो दोस्तों, मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार रेटिंग के लिए। अगर आप फ्रिज के लिए मार्केट गए भी होंगे या एक प्लान कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, 2023 में जो सबसे ज्यादा फ्रिज देखने को मिलेगा, अगर डबल डोर जाते हैं प्लान करते हैं तो डबल डोर में आपको सबसे ज्यादा 2023 2 स्टार ही मिलेगा। और दोस्तों, अगर 3 स्टार जा रहे हैं सिंगल डोर में तो वो लगभग आपको सिंगल डोर में आपको 2 स्टार भी मिल जाएगा, 3 स्टार भी। मगर आपके माइंड में एक आता होगा कि हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो 5 स्टार लेने के लिए निकले हैं और एक अच्छा कंजम्पशन की लाइट हमारी कम आए, एक बार खर्चा कर देते हैं, महंगा फ्रिज ले लेते हैं 5 स्टार, लाइट का बिल तो एटलीस्ट कम आएगा ही आएगा। ये प्लान हम करके चलते हैं, मगर नया भी चाहिए 2023 का, मगर जल्दी नहीं मिलता है। एक सिलेक्टेड मॉडल अगर किसी कंपनी में मिल गए तो और ऑप्शन नहीं मिलते हैं, फिर वो हो जाते हैं 2 स्टार या 3 स्टार। तो दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 5 स्टार, वो भी रेफ्रिजरेटर के मामले में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब भी कभी स्टार रेटिंग की बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो स्टार रेटिंग आती है वो एसी लेने के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी 95 या मैं 85% जो कस्टमर है वो 3 स्टार ही लेता है। आपको जेन्युइन बात है, 3 स्टार ही 85% कस्टमर लेता है। क्यों? उसके ऊपर भी एक लॉजिक है, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो होगी, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये फ्रिज के ऊपर है तो हम फ्रिज पर ही बात करेंगे। अब बात आती है कि जब हम फ्रिज ले रहे हैं, हमें कोई फ्रिज पसंद आ गया या सिंगल डोर में या डबल डोर में, तो वो 2 स्टार या 3 स्टार है, मगर हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा है। अगर हम किसी वहां के शॉप कीपर्स बोलते हैं कि हमें भाई आप 5 स्टार अरेंज करा दीजिए, तो वो ये बोलेगा कि मिल जाएगा आपको मगर इस ईयर का नहीं मिलेगा। वो हो सकता है आपको 22 का मिले, 21 का मिले, मगर 2023 का नहीं मिलेगा। अगर 23 23 का मिलेगा भी तो सेम आपके मन में जो मॉडल होगा, कैपेसिटी होगा, वो नहीं मिल रहा होगा। तो अब बात करते हैं, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइट के लिए। तो मैं आपको एक दोस्तों बात बता दूं, कंपनी जब सिंगल डोर और डबल डोर को मॉडिफाई करती है, बनाती है, वो ये हर कंपनी पे लागू होता है, वो अपने फ्रिज को इस तरीके से डिजाइन करती है कि उन्हें भी पता रहता है कि जब आप फ्रिज खरीदते हैं तो ये फ्रिज एक बार आप इसे इन कर देंगे और बार बार निकालेंगे नहीं, ना बार बार इसे बंद करेंगे। तो ये चीज कंपनी को भी पता रहती है। जब कंपनी को ये चीज पता रहती है तो कंपनी इसमें क्या करती है, एक अच्छी अच्छी आईसी या आपकी चीजें इसमें लगाती है जिससे आपका कंप्रेसर कम से कम लाइट ले। अब वो कम से कम लाइट लेगा तो आपकी लाइट का बिल भी कम आएगा। दूसरी चीज, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हमारी ये बनी रहती है कि हम ढूंढते रहते हैं, जब भी जाते हैं फ्रिज देखते हैं, येलो टैग पे 265 यूनिट ले रहा है, 261 यूनिट ले रहा है, हम ढूंढते हैं 150 से भी कम मिल जाए। मगर दोस्तों, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, आपको बता दूं ये भी एक स्टैंडर्ड होती है। अगर आप 150 या 200 तक का मिल भी गया आपको, तो आप अगर इसको लेके भी जाते हैं तो ऑलरेडी 150 200 यूनिट आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो हमारी यूज पर बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बार बार डोर खोलना पड़ता है और सामान भी रखना पड़ता है, उस हिसाब से यूनिट बढ़ जाती है। तो अभी भी देखिए कंफ्यूजन बनी हुई है, तो हम कौन सा लें, 2 स्टार लें, 3 स्टार लें, 5 स्टार लें। को बता देता हूं कि आप फ्रिज जब लेने जाएं, फ्रिज की कैटेगरी में स्टार रेटिंग मत देखिए। क्यों? क्योंकि स्टार रेटिंग आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है, क्योंकि स्टार रेटिंग जो होती है, अगर 5 स्टार में भी अगर आप फ्रिज पसंद कर लेते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा फ्रिज है, काम करेगा, मगर हर फ्रिज आपका, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, वो
लाइट जो आपका लेगा बहुत ज्यादा 800 से 900 रुपए तक का लेगा साल का, इससे ज्यादा लेगा ही नहीं। आप कैलकुलेट कर लो 365 से यूनिट को वो कर दो, निकाल लो रेशियो निकाल लो, आपको खुद पता चल जाएगा 24 घंटे में कोई भी फ्रिज एक यूनिट नहीं ले रहा है, वो चाहे आपका 1 स्टार ही क्यों ना हो। तो फिर किस चीज से आप परेशान है? तो मेरा आपसे सिर्फ यही सजेशन है कि फ्रिज के मामले में जब भी आप लेने जाइए इसमें 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार मत देखिए। क्यों? क्योंकि कंपनी भी आपके यूज के अकॉर्डिंग फ्रिज को मॉडिफाई कर रही है। ये एयर के हिसाब से 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग घटती बढ़ती रहती है और हल्का फुल्का स्टार रेटिंग पे फर्क पड़ता रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एक स्टार रेटिंग 2023 के हिसाब से जाएंगे तो आपको लेटेस्ट फ्रिज भी मिल जाएगा और स्टार रेटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों तो यही थी एक वीडियो स्टार रेटिंग को लेके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टार रेटिंग को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, अगर कोई और भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर आपसे यही कहूँगा स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रिज के मामले में, क्योंकि 5 स्टार अगर हम लेते भी हैं तो हो सकता है अगर वो हमें 2023 का नहीं मिलता है तो पुराना लेके भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी इतनी लाइट नहीं लेगा। और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।